Minecraft but ghost drop super OP items. So hello Akti ke fans, कैसे हो? वेलकम बैक टू अक्ति गेमर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग वापस से करने वाले एक चैलेंज। ये चैलेंज बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि आज तक का सबसे खतरनाक चैलेंज है मेरे पूरी इतिहास में। सो चैलेंज कुछ ऐसा है कि हम लोग जो गोट्स होती हैं माइनक्राफ्ट में उनको मारेंगे तो वो लोग सुपर ओपी आइटम्स ड्रॉप करेंगी। चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले माइनक्राफ्ट का सबसे पहला टास्क, लकड़ियाँ तोड़ो और टूल्स बनाओ। लकड़ियाँ टूट गई यहाँ पे, अभी चलते हैं। अरे भाई, अबे इधर गोट से मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अरे भाई, या तो दो दो गोट्स घूम रही हैं, एक छोटी और एक बड़ी। हमको इनको ब्रीड कराना पड़ेगा, क्योंकि गोट्स बहुत ही रेयर होती है माइनक्राफ्ट में, आप लोगों को पता ही है। और पहले टूल्स बना लेते हैं, फिर इनकी ब्रीडिंग की तैयारी करते हैं। ब्रीडिंग के लिए हम लोगों को एक फार्म चाहिए होगा, मतलब अभी हम लोग फार्म बनाएं तो गोट्स मारें, गोट्स को मार के फिर ओपी आइटम इकट्ठा करेंगे, फिर एंडर ड्रैगन को मारने जाएंगे। भाई क्या चालू है, अब क्या करें भाई, करना पड़ेगा, क्योंकि गोट्स बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है, मैं पूरे माइनक्राफ्ट में उनको दूर दूर के मार नहीं सकता। अरे भाई इधर देखो क्या चल रहा है, मैंने जो दो सीप्स अभी देखी थी भाई, वो देखो क्या चल रहा है, एक नीचे गिर गई एक टंगी हुई है। अबे क्या तुम लोग भी बदतमीजी करते रहते हो। जो गोट्स होती है, मतलब मैं सीप बोल रहा हूँ, गोट्स जो होती है वो दरअसल एक जगह टिक नहीं पाती है, इधर उधर घूमा करती है। अरे भाई ये तो मार रही है यार कायदे से। अरे यार मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोगों ने तो पूरी हेल्थ ही उड़ा दी, अभी मारने की तैयारी। गोट्स तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर होती है यार, कितना खतरनाक डैमेज दे रही है। अगर गोट्स को टेम करने का सिस्टम हो जाए क्या मज़ा ही आ जाए माइनक्राफ्ट में। ओ भाई साहब क्या तगड़ी तगड़ी लूट दे दी है भाई, आर्मर का आधा तो कंप्लीट ही हो गया, मेन चीज आर्मर की कंप्लीट हो गई माइनक्राफ्ट में। अभी हम लोग लकड़ी के टूल्स पे से इधर डायमंड के टूल्स पे आ गए, और देखो क्या दिन आ गए भाई, ब्लॉक्स की जगह पे ऑब्सीडियन का प्रयोग कर रहे हैं। इसको बोलते हैं फास्टेस्ट इवोल्यूशन। बीच वाला पार्टी गायब हो गया, मतलब मैंने कुछ गायब नहीं किया, मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया का सबसे फास्ट इवोल्यूशन। लकड़ी से सीधा नेदरराइट के टूल पे, और यहाँ पे अपनी क्राफ्टिंग टेबल पड़ी हुई है, इसको भी उठा लेके चलते हैं। एक काम करते हैं, हो सकता है कि और भी गोट्स यहाँ पे स्पॉन हो, तो आसपास घूमते रहते हैं और इधर उधर देख के आते हैं कोई पहाड़ वगैरह है कि नहीं। अरे यहाँ पर तो कोई सीप या गोट वगैरह मरी हुई है यार। अबे मारी कुत्तों ने मारी होगी जो जंगल में रहते हैं ना, वुल्फ। सो आखिरकार मेहनत रंग लाई भाई, रात में स्पॉन हुई है और चली भी गई, आते ही चली गई, ऊपर से नीचे आई, नीचे से ऊपर पहुँचा दिया मैंने। और भाई क्या ही ओपी लूट दे रहे हैं यार ये लोग, अबे मुझसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं चाहता हूँ कि पूरी गोट्स की पूरा वजूद ही मिटा दूँ यहाँ से। अभी हो गई है रात, हमारे पास बेड है नहीं, हमने बेड लेने की तैयारी की ही नहीं भाई, मैं गोट्स को ढूंढ रहा था, सीप को भी ढूंढना चाहिए था ताकि बेड बन जाए। और एक गोट मैंने यहाँ पे देखी थी, कहाँ घुस गई, इसमें घुस गई क्या? अबे यार मॉब्स कितने सारे आने लग गए यहाँ पे, मेरे पास गोल्डन एपल है, चलो ठीक है। और भाई ज़ॉम्बी आ रहे बहुत तगड़े से, मैं सोच रहा हूँ ज़ॉम्बी गिरा के मारते हैं, लेकिन चलो छोड़ो रहन दो, क्या पंगे लेने, अब तो भाई पंगे लेने ही है, टाइम पास करना है तो ज़ॉम्बीज को ही मारते हैं। और ज़ॉम्बीज को मारते मारते हमको एक गोट और मिल गई, और इस गोट को भी निकाल दो जल्दी से, और डायमंड्स मिल गए, डायमंड्स की और भी मिल गए। ओ भाई साहब मैं तो सोच रहा हूँ चलते हैं माइनिंग पर, माइनिंग करते हैं फिर चलते हैं एंडर ड्रैगन को मारने सीधा, ओपी से ओपी लूट दे रहे हैं ये सीप। सो आज ज़ॉम्बी बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं भाई, पता नहीं ज़ॉम्बी क्रीपर कितने कितने स्पॉन होते चले जा रहे हैं, क्रीपर की तो कोई इज्जत ही नहीं, बताओ मैंने कैसे मार दिया फटने से पहले ही। भाई जाके डूब मरो चुल्लू भर पानी में। तो अभी आप लोग ध्यान से सुनो, ऐसा ही टाइम पास करते करते मैंने एक बहुत ही बड़ी नूबड़ापंती कर दी भाई, मैं मॉब्स के हाथों मरने वाला था, केवल एक हार्ट बची थी, मैं इतना ज़्यादा नूब हूँ मुझे पता ही नहीं था। और मैं भागने लगा, रास्ते में स्केलेटन मिल गया भाई, मैं किसी तरह इधर से उधर लगाया लेकिन मुझे ही मार ही दिया। तो चैलेंज तो चला गया तेल लेने, बाकी मैं अभी क्रिएटिव में यहाँ बहुत सारी गोट्स का स्पॉन करूँगा और उनको मारूँगा, इसे बोलते हैं सेटिस्फैक्शन। अभी मैं सेटिस्फैक्शन लेने जा रहा हूँ और मार के देखते हैं इनको मिलता क्या क्या है भाई, क्या ओही ओपी लूट दे रहे हैं ये लोग, नेदरराइट के ब्लॉक्स दे दिए, ओ माय गॉड।
सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ये चैलेंज तो गया तेल लेने, लेकिन आप लोग तेल साबुन कुछ भी लेने जा सकते हो। लाइक ठोक ठोक।